ऐसे हो गया मेरा क्लियर नहीं आ रहा बेटा, पर्दे गंदा रहता है। जय माता दी। मैं जा रही हूँ किचन में, मुझे बनाना है पालक की पूड़ी। ब्रेकफास्ट को बहुत लेट हो गया है, जैसे कि आप लोग मेरे को लग नहीं रहा ये प्रिंट बचेगा उसके लिए, चौरंग के लिए। चौरंग के लिए काम ना पड़ जाए ऐसा लग रहा है। ये जो आप पूरन देख रहे हैं ये वर्ल्ड का बेस्ट पूरन है, ये मम्मी जी का बनाया हुआ पूरन है। मम्मी जी ने अपने लोगों को लगभग 3 टाइम खिलाया था। वेलकम बैक टू माई चैनल रॉक्सित मम्मी। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, यहाँ पे हाउस हेल्प मतलब पोछा लगा रही है, झाड़ू वाड़ू तो लग चुकी है, क्लीनिंग का काम चल रहा है। और आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया मज़े में हैं। और बस मॉर्निंग का तो वही रूटीन होता है, देव के स्कूल के प्रिपरेशन, फिर उसका स्कूल में मतलब बस तक स्वीट ड्रॉप करके आएंगे। नहीं कैमरा थोड़ा वैसे हो गया मेरा, क्लियर नहीं आ रहा बेटा, पर्दा गंदा रहता है। जय माता दी। दही दो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉक्स विद मम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया और सूजे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन नींद कम हुई आज, फिर भी फेस पे स्वेलिंग है। और मैं जा रही हूँ किचन में, मुझे बनाना है पालक की पूड़ी। ब्रेकफास्ट को बहुत लेट हो गया है, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं। अब भी देव स्कूल गया है, शूट उसको ड्रॉप करके आए हैं। और अब स्वीटर कुछ करने वाले हैं तो वो शेयर कर देंगे आपसे। ये रही पीछे चीजें, मैं चलती तब तक किचन में। ये देव का कुर्ता है, ये हुडी है, ये जीन्स है, ये कुछ टी शर्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये मैं नए नहीं लाया हूँ, ये देव के ड्रेस हैं बेसिकली। नहीं ये मेरा भी है, ये जो कुर्ता है ये मेरा है, इसको मैं शायद 2 या 3 बार पहनाऊँगा। और ये देव का एक जैकेट, ये देव का दूसरा जैकेट, ये देव का कुर्ता, वो हुडी, ये जीन्स, ये टी शर्ट, ये भी जीन्स है। ये बेसिकली ये तो उसके लास्ट बर्थडे की है, और ये 1 साल पुरानी है, और ये शायद 2 साल पुराना है। और हम दोनों बाप बेटों ने जो कुर्ता है, ये जो मेरा और देव का कुर्ता, ये तो शायद हमने दो बार पहना है, और मैंने भी 2 या 3 बार पहना हूँ। और ये जैकेट दादा नहीं पहना है इसने, और ये टी शर्ट वगैरह ये सब बेसिकली हम दे रहे हैं। और यहाँ ये बनियान, ये तो मैं एक बार भी देव नहीं पहन पाया, ये बिल्कुल कोरी हैं। सॉरी कैमरा गिर गया था, मोबाइल गिर गया था, सॉरी मोबाइल है, कैमरा नहीं है, वो बाई चांस निकल गया। तो ये हमारे यहाँ जो हाउस हेल्प हैं राजश्री दीदी, ये उनको हम दे देंगे। बेसिकली सब मशीन में धुल चुके हैं, लेकिन धुलने के बाद ये एक जगह ऐसी अलमारी में पड़े हुए थे एक साथ, तो वो थोड़े से ऐसे हो गए हैं कि मतलब वो दिख रहे हैं इस टाइप के, लेकिन ये सब धुले हुए हैं साफ सुथरे। ऐसे भी किसी को अगर आप पहन लिए हो तो कभी भी किसी को दो तो धो के दो, मतलब किसी को क्यों देना मतलब बिना धुला हुआ। तो बस ये है कि तो आज दीदी आएंगी और ये लेके चले जाएंगी। पानी है इसमें। हाँ जी, तो आज ब्रेकफास्ट में बन रही है पालक की पूड़ी और चाय। मेरे लिए तो मैं चटनी बनाऊंगी, मतलब मूली की चटनी के साथ खाऊंगी। और स्वीट को पालक मेथी की पूड़ी चाय के साथ ज़्यादा पसंद है, या फिर दही मक्खन ले लेते हैं। तो चलिए पहले स्वीट को नाश्ता दे देती हूँ, फिर और गर्म बनते ही जा रही है, तो उसके बाद मैं भी साथ में ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ पर आपने देखा था कि उस वाले व्लॉग में जो वो तुलसी विवाह वाला, मतलब तुलसी पूजा वाला, एकादशी वाला जो व्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर किया था, कि स्वीटू ने वृंदावन, और मतलब वृंदावन तो नहीं है, सीमेंटेड गमला ही है वो, तो उसको जिसमें हमारी तुलसी माता है और केले का, जिसकी मैं केले पौधे की पूजा करती हूँ, वो वाला जो दोनों हैं उनको बहुत ही प्यार से एकदम अच्छे से पेंट कर दिया था, और बहुत खूबसूरत दिखते हैं वो। अच्छा दिखना चाहिए, मेरे को लगता है थोड़ा सा गाढ़ा कर रहा हूं उसमें। तुलसी जी में तो अच्छा दिख रहा था ये कलर। हां और रेड लगता भी अच्छा है। रेड लगता भी अच्छा है, गंदा भी नहीं होता। मैंने अपने जो चौरंग पीड़े सब रेड रखे थे, बस स्टूल को व्हाइट रखे हैं। व्हाइट कर दिए थे, लेकिन वो स्टूल व्हाइट में ही सुंदर दिखता है। उसको भी करना है किसी दिन, यहाँ टाइम निकाल दिया व्हाइट लाके।
हाँ जी उसको भी व्हाइट कलर में कर देंगे, अच्छा दिखेगा। तेरे बिना वो मिट्टी मिट्टी लग जाती है उसमें तो फिर वो अच्छा भी नहीं दिखता। मिट्टी का ही ओ मम्मी भैया मैं कुकर लगा के आती हूँ। हाँ जी कुकर लगा के आती हूँ। हाँ कुकर लगा लो। इस बड़े डब्बे को जी आपने चीनी के लिए रखा हुआ है, उसको दाल के लिए उसका चीनी के डब्बे में चीनी डाल दो। हाँ जी तो मैं यहाँ पर बीच में विंडो है यहाँ पे हम लोग अपने हाउस हेल्प से परेशान है तो उसके बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली हमारे जो पुराने हाउस हेल्प ना बच्चों के स्कूल के कारण उनका टाइम मैच नहीं हो रहा था, उन्होंने ही किसी और को उनके ऑप्शन में ला दिया है कि अगर जमेगा तो इनसे कंटिन्यू कराना नहीं तो मत कराना। तो अभी मतलब एक तरीके से देख रहे हैं कि कितना क्या उनका हमको समझ में आता है क्योंकि क्लीनिंग के मामले में थोड़ा बहुत ज़्यादा वैसे ही है, नहीं अच्छे से पोछा वोछा लगाती है। उन्हीं के बारे में डिस्कशन चल रहा था। स्वीटू यहाँ पे बहुत ही प्यार से इसको पेंट कर रहे थे और मैं किचन में खाने की प्रिपरेशन कर रही थी। हाँ जी तो हमारा मनी प्लांट का जो ये गमला है ये रेडी हो चुका है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और ये पे भगवान जी की पूजा वाला जो ये पीढ़ा है इसको भी स्वीटू कर रहे हैं। मेरे को लग नहीं रहा ये पेंट बचेगा उसके लिए, चौरंग के लिए। चौरंग के लिए कम ना पड़ जाए ऐसा लग रहा है। ये बच गया तो देखूंगा हल्के से चौरंग में भी मार दूंगा एक हाथ। हाँ जी तो मैं पावसी और चाकू दोनों यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं ड्रमस्टिक डाल के प्रिपरेशन कर रही हूँ। स्वीटू डबल कोट कर रहे हैं अगेन मनी प्लांट वाले गमले को। यहाँ मैं मुनगे के छिलके निकाल रही हूँ, मुनगा ड्रमस्टिक एक ही चीज़ है, और दाल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज हम लोग दाल मुनगा खाने वाले हैं, बोल सकते हैं ड्रमस्टिक दाल। आँख में झाड़ चढ़ गई है मेरे को, गंदा दिख रहा है वो पेंट के कारण। हाँ आज बीच में साफ दिख रहा है, आजू बाजू गंदा दिख रहा है। ये जो आप पूरन देख रहे हैं ये वर्ल्ड का बेस्ट पूरन है। ये मम्मी जी का बनाया हुआ पूरन है। मम्मी जी ने वहाँ हम लोगों को लगभग लगभग 3 टाइम खिलाया था। और पूरन वैसे भी घी में पका होता है, चाशनी में पका होता है, चीनी में पका होता है। घी में तो रोटी हाँ सॉरी तो पूरन को कुछ होता नहीं है। तो ये आज हम फिर इस पूरन मतलब मसाला तो यही रहेगा मेन वैसे भी मसाला है स्टफिंग,
पम्मा से सिर्फ आउटर लाइन करेगी। तो मतलब मम्मी जी के हाथ का कुक हुआ पूरन है ये, इसको लेकर मम्मी जी ने हमको दिया, हम लेकर वाराणसी से कवर्धा आए और हम इसको अब मैं इनको फिर से बना के खिला रही हूँ। वहाँ भी अब तीन टाइम तो आपने खाया ही होगा, तीन टाइम और भी दूसरी चीजें भी खाई, बट साथ में मम्मी जी पूरन देती है, पता है उनको वैसे भी पसंद। वैसे भी जब पूरन बनता है वहाँ पे, मतलब जब भी मैं जाता हूँ तो पूरन बनता ही बनता है, शायद ही एक आध बार ना बना हो, शायद ही एक आध बार ना बना हो जो मेरे को याद नहीं है, और बनता है तो मम्मी जी इतना ही बनाती है कि मतलब वहाँ भी रहूंगा तो चार एक दिन तो मैं हंस के खा लूं। देती भी है। हाँ, उसके बाद फिर पूछती है बेटा अब कब बनाना ये भी बता देना। तो ये रहे हमारे पूरन, ये रहा घी और ये रहा आटा। हाँ जी, तो पूरन की रोटियों का जो आटा होता है ना मौन वाला, वो अलग से लगाया जाता है, बट अभी क्या है ना कि हम लोग वहाँ से आए हुए हैं, जस्ट एक ही दिन हुआ है और मतलब सेकेंड डे चल रहा है, बट बहुत सारे काम धाम ताम झाम, घर की क्लीनिंग ये वो बहुत कुछ हो जाता है, तो इस वजह से मैंने नॉर्मल आटे से ही बना ली, जिस जैसे नॉर्मल आटे से आलू के पराठे बनाते हैं वैसे ही आटा लगा के रोटियाँ बना ली, तो इसकी भी अच्छी बन जाती है, बट वो जो मौन वाला आटा होता है ना उसकी कुछ ज़्यादा ही, उसकी बातें अलग होती है, कुछ अलग ही टेस्ट आता है उसका। तो बस यहाँ पर हल्की सी पहली रोटी थी, तो पहली रोटी हल्की सी फट गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने बना ली, हम लोगों ने पेट पूजा कर ली, ये रही फुली फुली टेस्टी पूरन। और एक होता ना माँ के हाथ वाली स्वाद वाली बात, तो हमको यहाँ पे आके भी मम्मी जी के हाथ का स्वाद खाने मिल रहा है, क्योंकि पूरन तो मम्मी जी का कुक किया हुआ है। तो आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे मम्मी जी के हाथ के पूरन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं, बिल्कुल मैं बड़े स्पीड में बोल रही हूँ, सॉरी, कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं बिल्कुल। और एक होता है ना फ्लुएंसी में हम बोलते जाते समझ में नहीं आता ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे प्लेट लग रही है, बस घी निकाल लूँगी इसमें, और दही, दही मुझे देखना पड़ेगा है कि नहीं, आई थिंक दही ख़त्म है शायद घर में, और देव और स्वीट का तो बिना दही के होता नहीं, बट घी से भी खा लेंगे, घी में डुबो डुबो के पूरन खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो और इसकी रेसिपी प्रॉपर डीप रेसिपी मैंने पहले दो बार शेयर की हुई लास्ट ईयर, तो आप लोग चाहें तो पुराने ब्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वैसे भी देख सकते हैं जो नए सब्सक्राइबर है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।